हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन जो होता है, वायु प्रदूषण जो होता है, उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है। मतलब उसके अंदर हम अगर देखें कि जो वायु का प्रदूषण होता है वो मतलब किस तरीके से हो रहा है, और हम उसको कंट्रोल क्या कर सकते, कैसे कर सकते हैं। मेनली हमारा टॉपिक वो था कि हम जो वायु प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम पढ़ रहे थे। तो हमने प्रदूषण तो कर दिया पहले खुद ने, किस किस तरीके से होगा वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि हम खुद कैसे पोल्यूशन फैलाते हैं। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है कि हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ टॉपिक तो हमने पढ़ लेता, अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, किसका कंट्रोल, एयर पोल्यूशन का। जो वायु प्रदूषण होता है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक तो एडजॉर्प्शन हो गया, एक एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है संघनन। देखिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे गैसीय, मतलब गैस से क्या बन रही है, भाप बन रही है, उस भाप से वापस जल बन रहा है। तो इसके अंदर जैसे जो गैसीय वाष्प जो बन रही हैं, अगर उनका कंट्रोल हम कर किसके द्वारा कर सकते हैं, उसका कंट्रोल हम संघनन के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे कोई भी मेल, जैसे हमारे परिवेश का जो चारों तरफ का जैसे जो ताप होता है, जिसको हम परिवेशीय ताप बढ़ते हैं, उस पर क्या बहुत कम वाष्प, जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत कम वाष्प जो होती है उसकी मात्रा, तो उसके ऐसे लगा लीजिए बहुत, अगर हम इसके उस जो बहुत ताप जो होता है उसके होता है परिवेश बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जो वाष्प होती है, उस टाइप के दाब की अगर हम बात करें, वाष्प दाब उस पे जो है, तो उस उसके ऊपर जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो वाले हाइड्रोकार्बन्स, मतलब पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स, वो कार्बनिक पदार्थ है, उनको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये जो प्रक्रिया जो है ना, ये एक उपयुक्त प्रक्रिया है हटाने के लिए। ये क्रिया क्या है, उपयुक्त प्रक्रिया, गैसीय वाष्पों का नियंत्रण। ठीक है, ये प्रोसेस करके हम जनरली कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर मतलब जो मेनली प्रोसेस जो होगा, हम जैसे हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि हम ये जो कंट्रोल कर रहे हैं ना इनको, ये कंट्रोल हम संघनन के द्वारा कर दें। तो क्या कर सकते हैं हम, जो एयर पोल्यूशन जो होता है, वायु का जो प्रदूषण हो रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे चारों तरफ क्या जो वातावरण है उसके अंदर क्या है, उस ताप पर क्या होता है, बहुत कम जो ऐसे जो वाष्प जो है, वाष्प दाब वाले क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन्स बनते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थ जो है वो बनते हैं, उनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस यूज में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखेंगे, परिवेशी ताप पर क्या बनेगा, बहुत कम, बहुत कम वाष्प दाब वाले क्या बनेंगे, इन क्रियाओं से मुख्य रूप से क्या बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनेंगे, तो इससे बनने वाले हाइड्रोकार्बन्स। क्या बनने वाले इससे, हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा सिर्फ यही थोड़े बनेंगे, इसके साथ में दूसरे भी क्या बनेंगे, दूसरे ऑर्गेनिक मैटर,
जो दूसरे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या बनते हैं, उसके साथ में बनते हैं। तो अब ये जो मैटर बने हैं इसको क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए, इनको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये जो मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए कर सकते हैं, हमारा जो वायु प्रदूषण उसको कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर क्या होगा, जैसे जल है, जल होता है, वायु होती है, इनका क्या, अगर जैसे इनके अगर हम यूज की बात करें, जो शीतलित जो ठंडे जो संघनित्र होते हैं उनके मेरे क्या कर सकते हैं, इसके यूज से जो एयर पोल्यूशन है उसको क्या किया जा सकता है, उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। किसे कर सकते हैं, जल या वायु शीतलक, इनसे जनरली हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक उस कंट्रोल रूम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसके, क्या जो शीतलित जो संघनित्र होते हैं उनके यूज से। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, उसको कम कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, जो एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण जो होता है, उसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी जो क्रिया है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है क्या, इसके अंदर अगला फैक्टर कौन सा आता है, अगला फैक्टर आता है केमिकल्स। रसायन, कुछ जो केमिकल्स हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं हम, पहले कुछ क्या करवा के, केमिकल रिएक्शंस करवा के उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो किसको, जो एयर पोल्यूशन होता है उसको। अब मैं बात करती हूँ इस पोल्यूशन की, देखिए अगर हम क्या कर दें, अगर हम जो उद्योग हैं उनसे क्या वेस्ट, हम दूसरी बात, हम जो व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स का क्या कर दें हम, जो उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं अगर हम उनका कंट्रोल कर दें, उनका यूज अगर हम कम कर दें तो क्या हो जाएगा, इनसे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, वायु का, वायु प्रदूषण का कंट्रोल हो रहा है। तो अगर हम ऐसे करें, जैसे कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक जैसे फैक्ट्री है उससे क्या निकलते हैं, जो भी उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं उनका अगर हम दूसरे तरीके से यूज करें, उसका अगर हम एक तरीके से बोलें कि हम उसका रिसाइकिल करें, हम उसका रिसाइकिल करें, तो वो चीज़ क्या हो सकती है, उसको थोड़ा जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, जैसे कि उनसे जो भी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो निकले, सीवेज वगैरह, उनका भी कुछ प्योर करने का सिस्टम लगाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर इस टाइप के, ये बात मैं मानती हूँ इस चीज को, कि इस टाइप के कानून में बनाए जाने चाहिए ताकि लोग जो हैं कंपनियों से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहा है वो सीधा वहाँ नहीं जाए, उनसे क्या निकलता है, गंदा मल, वो सब उल्टी जो, मतलब इससे जो उल्टी सीधा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेकार से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, वो जाते हैं वो पानी के अंदर मिलते हैं, उनसे जहरीला धुआं निकलता है, वो वायु को प्रदूषित करता है, उस जो सीवेज वाटर वगैरह जो भी गंदा पानी है वो निकाल दिया गया है, वहाँ से कहाँ निकल गया, वो चला गया, पानी नदियों के अंदर मिल गया, उससे पूरा जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रही है, लोगों की डेथ हो रही है। तो ये एक कंट्रोल जो है वो हम कर सकते हैं, किसके द्वारा, ये जो प्रोसेस है हम इनके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने बोला था विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक सामग्री, देखिए ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका अगर हम यूज कम करें, मतलब इसको अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो अगर हम उसका यूज़ कम कर दें इन चीज़ों का तो भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसके अंदर की जो वायु प्रदूषण है उसका हम कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है आज के क्वेश्चन की, तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है, आपको बताना है
कि कुछ जीवों के अंदर हमारे अंदर होता है रेड, हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ब्लड का कलर ब्लू होता है, तो आपको बताना है कि वो किस पिगमेंट के कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है। हमारा होता है हीमोग्लोबिन के कारण, तो एक ऐसा ही पिगमेंट है जिसके कारण ब्लड का कलर नीला होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।